सुलेमान शाह का बेटा अर्तुर। जो उसमें जुनून दिखाया गया है वही हमें अच्छा लगता है, जज्बा अच्छा लगता है उसमें। सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है? तुर्गुत का, बंसी का, तुर्गुत बंसी सब अच्छे हैं, लेकिन तुर्गुत बहुत बेहतरीन। कुल्हाड़ा चलाता है, कुल्हाड़ा चलाता है, उसका कुल्हाड़ा बहुत जबरदस्त है। कुल्हाड़े की वजह से मेरा बेस्ट है। वैसे बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा लगता है। बंसी ज्यादा अच्छा लगता है, दो तलवारों से जो लगता है वो। एक एक घर में, एक एक बच्चे में अर्तुल गाजी देखता है और चलता भी है, और हमारे घर में भी चलता है। आपको सबसे ज्यादा करैक्टर इसमें, किरदार और तो गुरुल हलीमा पी तुर्गुत पसंद है, तुर्गुत ने बंसी पसंद है, हलीमा पसंद है, हलीमा नहीं पसंद है। वो उसकी बीवी है, वो मुकाबले करती जा रहा था। यही उर्दूगुल में जज्बा ये दिखा रहे हैं इंशाल्लाह। आप तैयार हैं साहब? तैयार हैं इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर को आजाद करने के लिए तैयार है। वो देख हमें जोश आते है, काश तो कोई ऐसा दौर इस वक्त में भी यार हम वैसे मुकाबला करेंगे। और कुल्हाड़ा चला जाते हैं, कुल्हाड़ा और क्या, सारा कुछ ही अच्छा है। ये सबसे अच्छी चीज है तलवार। सबसे अच्छा कौन है, तुर्गुत बंसी या कौन? सबसे अच्छा बंसी, दो तलवारें जो चलाता है। हाँ वो वाला, वही अच्छा। गलकंडा खुद भी चलाए दो तलवारें होंगी तो चलाएंगे। ड्रामे में जब वो गैर मुस्लिम को मारते हैं हमें जज्बा आता है। आपका कौन सा फेवरेट हथियार है उसमें? ज़्यादा तो यानी कि पाकिस्तान के लेवल से कुल्हाड़ा ही ज़्यादा इस्तेमाल चलता है। ठीक है, आपका दिल करेगा कुल्हाड़ा चलाने को? चल कुल्हाड़ा जब देखें हमारे साथ इस तरह की बातें ये चीज़ ये पुराने वक्तों की चलेंगी तो दिल तो करते ही है ना कि ये इस तरह हमारे खिलाफ बातें कर रहा है तो इसको शहीद कर दी। उसके तो दुश्मन थे ना वहाँ पे, बजंतीनी दिखाए हैं जी जी, जो साजिशें कर रहे हैं, गद्दार हैं। यहाँ पे कौन दुश्मन है पाकिस्तान? इसराइल दुश्मन है हमारा तो। आपको मौका फलस्तीन, फलस्तीन दुश्मन तो नहीं है ना? नहीं दुश्मन नहीं है, उधर बहुत ज्यादा ज्यादती मुसलमानों के साथ होती है। कभी आपका मौका आपको बस चले तो आप बंसी की तरह तलवारें लेकर इंशाल्लाह इसराइलियों को खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। सबसे फेवरेट कैरेक्टर तो इकबाल गाजी साहब ही हैं। जैसे वो लड़का तलवार, हाँ जी वो तलवार के साथ, जी जी बिल्कुल मजा आता है जब सर माइक में, बहुत मजा आता है, दिल करता है मैं भी चलाऊं कभी। बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अगर आपके पास तलवार आई तो आपका दुश्मन कौन है यहाँ पाकिस्तान? हमारे पाकिस्तान में हमारा दुश्मन तो कोई नहीं है, हमारा दुश्मन तो इंडिया ही है। अच्छा तो आपका बस चले तो आप लेके तलवार? इंशाल्लाह क्यों, सबसे पहले मोदी का सर उड़ाएंगे। उसको को देख के इमरान खान याद आता है आपको? इमरान खान तो हीरो है पाकिस्तान का। ऐसा लगता है कि उर्दू इमरान एक ही करेक्टर है? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन इमरान खान हीरो है पाकिस्तान का। अच्छा इमरान खान आपको उर्दू से भी ज्यादा पसंद है? जाहिर है। अच्छा उर्दू को देख के ख्याल आता कि अपने इमरान खान जैसा? लगता तो है इमरान खान जैसा, सोच अच्छी है, लेकिन उसके साथ का जो बंदे आना वो करप्ट है, उनको जड़ से महंगाई भी उन्होंने की है, जो बड़े बड़े ताजर है, बड़े बड़े सनतकार साहब नून लीग भी हैं। अर्तुगरुल को देख के वो इमरान खान इसलिए याद आता है कि दोनों में इंसाफ से ज़्यादा बेहतरीन किस्म का इंसाफ है। वो इमरान खान भी अभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता है, उसको किसी चीज़ का पता चले उस पर फौरी एक्शन लेता है वो। तो अर्तुगरुल को भी ऐसे ही था मेरे ख्याल। इमरान खान के दुश्मन कौन है? उसके तो दुश्मन थे इमरान खान के सारे दुश्मन, नवाज शरीफ भी दुश्मन है, जरदारी भी दुश्मन है, सारे तो दुश्मन है उसके बेचारे। इमरान खान का मुकाबला किसके साथ है जिसको इमरान खान को जीत रहा है? नवाज शरीफ से है, जरदारी से, जो चोर हैं लटेरे हैं उनसे, डाकू हैं ये लोग। इमरान को भी चाहिए कि उनका पाकिस्तान में ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, टंगना तो सकता है। हाँ टंगना तो चाहिए उनको। अगर आप जंग कर सकते हैं उनके पास तो दुश्मन थे, यहाँ पाकिस्तान में तो कोई दुश्मन नहीं है, किसके खिलाफ जंग करना चाहिए? दुश्मन है यहाँ पे, खुद के बड़े दुश्मन है, जिसका मतलब करप्शन हो गई है, ये नहीं खत्म हो रही तो आगे क्या जंग करनी है? पहले हम अपने अपने खिलाफ तो लड़े, सियासतदानों के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, जब ये सियासतदान सही होंगे तो जाहिर सी बात है मुल्क भी सही होगा। कभी दिल करता है कि तुर्गुत की तरह सियासतदानों को मजा सिखाया जाए? क्यों नहीं, वो तो हर बंदा चाहता है कि भाई मौका मिले हमें, जितने भी करप्ट बंदे हैं सबको पकड़ के जेल में डाले, मार लें। जेलों में नहीं डालना, इनकी गर्दने उड़ानी है सियासतदानों। कैसे उड़ाता है?